हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। अशरफ अली, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो यार 22 साल बाद गदर मूवी फिर से रिलीज होकर ये साबित कर दिया कि बाप बाप होता है। जब 2002 में गदर मूवी रिलीज हुई थी तो इस मूवी ने 10,000 का टिकट बेचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और अब गदर 2 के फ्री प्रमोशन के लिए गदर मूवी को सिनेमा घरों में फिर से रिलीज किया गया है। पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गदर फिर से क्यों देखने जाएं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गदर को वैसे ही नहीं रिलीज किया गया है जैसे आप देखे थे। इसमें काफी सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे इसकी क्वालिटी को VFX के द्वारा बढ़ाकर 4K में बनाया गया है, इसके म्यूजिक को और भी ज्यादा बूस्ट किया गया है और जब फिर से अमरीश पुरी और सनी देओल की एक्टिंग देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गदर को फिर से इसलिए रिलीज किया गया है जिससे गदर की यादें ताजी हो जाए और फिर से आगे की कहानी गदर 2 में देखने आए, और ये एक स्मार्ट और फ्री तरीका है प्रमोशन करने का। गदर 2 को लेकर लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है, इस सभी को पता है, पर बॉलीवुड के दो लोग फिर भी गदर 2 से पंगा लेने चल रहे हैं। दरअसल गदर 11 अगस्त को रिलीज होगी और इसी दिन दो और मूवी रिलीज होने वाली है, एक रणबीर कपूर की एनिमल मूवी और दूसरी अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 मूवी। तो यार आप लोगों को क्या लगता है कि गदर 2 के आगे रणबीर कपूर की एनिमल और अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 मूवी चल पाएगी कि नहीं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री की सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।